सूप पीने के लिए। हमारी कौन सी होटल है? उड़ुपी श्री कृष्णा सिबरी बेलापुर। तो हम लोग यहाँ पे सूप पीने के लिए आए हैं। पता नहीं अचानक से मन गया क्योंकि क्लाइमेट रेनी है, बारिश हो रही है इसलिए। और हम लोग ने ऑर्डर दिया है कौन सा सूप? मंचाओ। और उसमें बास मसाला पापड़। हमारे घर में सबसे ज़्यादा सूप का क्रेज पापा को है, किसी को नहीं। तो अब जल्दी से आ जाए और हम लोग बहुत पीने का मन कर रहा है। तो हम लोग जस्ट आए होटल से और हम लोग गए थे सूप पीने के लिए। नहीं, वैसे तो हम लोग सूप पीने के लिए स्पेशली नहीं गए थे, हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, हेयर स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि मेरे बाल एक महीने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैं गई थी फाइनली आज हेयर स्पेशलिस्ट के पास। और बस फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आए तो कुछ 9:30 बज गया था, तो सोचा कि बाहर से अभी कुछ खा लेते हैं। तो सूप ऑर्डर किया, एक फेमस जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग सूप पीने के लिए गए थे, उड़ुपी श्री कृष्णा। हाँ, फिर सूप पीने के बाद फिर पाव भाजी खाने का मन हुआ तो पाव भाजी खा ली। और फिर अभी क्या टाइम हुआ है जय? I think so, it's about 10. तो अब हो गया फाइनली सब कुछ। मेरे बाल एक्चुअली पूरे झड़ गए एक महीने में, तो इतने से हो गए। पता नहीं आजकल का क्लाइमेट इतना ख़राब है, पानी भी ख़राब, सब कुछ ख़राब, बाल तो हमेशा झड़ते ही रहते हैं, बिल्कुल भी स्टॉक होने का नाम ही नहीं लेता, कितना भी कुछ भी करो। और अभी तो कुछ भी, कोई चीज़ काम ही नहीं आती, कोई भी कुछ भी होम रेमेडीज़ भी करो तो भी कुछ काम नहीं आता वो सब चीज़। एक बार तो डॉक्टर का विजिट लेना ही पड़ता है। और कल है जय का एग्ज़ाम, और 2 दिन एग्ज़ाम है जय का, मतलब कल है और एक छुट्टी, उसके बाद फिर मराठी का एग्जाम है, फिर उसके बाद ड्राइंग, तो मतलब टोटल 3 एग्जाम और बाकी। उसके बाद एक्चुअली मैं ड्राइंग को गिनता नहीं, उसके बाद जय की दिवाली वैकेशन, फिर दिवाली वैकेशन, फिर कुछ तो एक्साइटेड होने वाला है, पर अभी हम नहीं बताने वाले वो, जब हम लोग जहाँ जाएंगे डायरेक्टली तो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट व्लॉग एवर। तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाली क्योंकि नहीं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, वरना वो धीरे धीरे करके सब कुछ निकल ही जाएगा। Don't talk about that topic. तो बस कुछ नहीं, अभी हम लोग जस्ट आए हैं घर पे और जय कर रहा है होमवर्क, उसका साइंस का कल एग्जाम है, तो बस मैं डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा है। और मैं बस थोड़ा बहुत अपना मैसी घर है उसको क्लीन करूंगी, और जय डूच डूच टीच डूच
जय जय पढ़ाई करता है तो उसके पास कोई ना कोई आइटम होती है खाने के लिए हमेशा। जब भी देखो तब तो आप सामने देख सकते हो एक प्लेट में बिस्किट का पैकेट रखा है उसने। वो ऐसा कभी नहीं जाता उसका दिन कि वो पढ़ाई करता हो और कुछ उसके पास खाने की चीज ना हो। क्या करें जय। और ये अचानक से पता नहीं क्लाइमेट इतना बेकार सा हुआ है। तीन दिन से ऐसा हो रहा है कि पूरा दिन अच्छे से धूप होगा, गर्मी होगी बहुत ही बेकार सी, और जब 5 बजेगा तो इतना डार्क हो जाता है, सडनली डार्क हो जाता है क्लाइमेट, और जो बारिश आती है। ये 3 दिन से लगातार सेम ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्या अजीब सा क्लाइमेट हो रखा है, इसलिए सब बीमार पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा क्लाइमेट ही सब चेंज हो गया है। बारिश कब आनी चाहिए, और अभी तक आ रही है, दिवाली में भी बारिश आएगी मुझे ऐसा लगता है अभी तो। थिंक सो। पता नहीं अजीब सा क्लाइमेट हो रखा है। और क्या जय? नथिंग, मुझे बस अपने हाँ, और एग्जाम आज के मैंने आलू लिए। पराठा का रेसिपी डाला है, वीडियो डाला है, तो पता नहीं आप सबको पता नहीं अच्छा लगा होगा कि नहीं। प्लीज मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वो आलू पराठा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वो इंस्टेंट आलू पराठा मैंने बनाया है। और मैं ज्यादातर वैसे बनाती हूँ कितनी बार, क्योंकि जय जब भी मुझे उसका मूड करेगा तो मुझे बोलेगा मैं आलू पराठा बना के दे, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ बिना स्टफिंग के। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बिगनर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो बैचलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको बाहर का खाना अवॉइड करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो वो एक रेसिपी डाल देती हूँ मैं। और क्या? और और जय कर रहा है वो, पता नहीं और कितनी देर तक करेगा ये लड़का। मुझे 10-15 तो हो ही जाएंगे। तू क्या कर रहा है एक्चुअली, बता जरा। मेरी ड्राइंग देखने की हालत नहीं है। बता तो सही है। ये एक पीछे की ड्राइंग है, एक सिर्फ एक रफ ड्राइंग है, रफ ड्राइंग ओके, वो साइंस में जब जो ड्राइंग्स डायग्राम्स डायग्राम करना है वो एक बार प्रैक्टिस कर रहा है वो। इसके एग्जाम खत्म हो जाए मैं भी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि इसके एग्जाम में मुझे इसके पास बैठना पड़ता है, मेरा कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं होता फिर जो मुझे करना होता है। जैसे कि दिवाली आ रही है अभी और मुझे कितना कुछ काम करना है, भले मैं जा रही हूँ पर फिर भी मुझे बहुत कुछ करना है काम दिवाली का। और ऑलमोस्ट सबको दिवाली का कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे घर डेकोरेशन करना, साफ सफाई करना मेन टास्क, साफ सफाई करना मेन टास्क है दिवाली का। तो मतलब पूरा कोना साफ करना पड़ता है दिवाली में। वैसे तो नवरात्रि में मैंने घर साफ किया था, क्योंकि हम लोग नवरात्रि में जो घर बिठाते हैं उसमें हम लोग पूरा घर साफ करते हैं, तो मैंने घर साफ तो किया था, पर फिर भी आजकल धूल मिट्टी इतनी आती है कि वो वापस से मुझे घर साफ करना पड़ेगा। और इस लड़के के एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद बस मेरा वो काम शुरू होगा, और ये दिवाली तो पूरा बिजी जाने वाला है। तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही नहीं, कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा। ज्यादा शेयर नहीं करूंगी वरना वो मेरे मुंह से निकल जाएगा अभी। यस, जय भी एक्साइटेड और मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। और आप बताए, आप सब बताइए कि आप सब दिवाली में क्या क्या करने वाले हो, कौन कहाँ जाने वाला है, घर पे रहने वाले हो या और कुछ करने वाले हो। और गाइस, इस बार मैंने मतलब बहुत सालों से फटाके बहुत थोड़े बहुत कम फोड़ता था ड्यू टू सम नॉइस पॉल्यूशन। इस बार मेरे को नॉइस पॉल्यूशन नहीं, इस बार जी भर के फोड़ लो का फटाके, बहुत कंट्रोल कर लिया यार पे आपको। मतलब आज बहुत मन कर रहा है फटाके फोड़ो अब कंट्रोल नहीं हुआ। एक्चुअली दिवाली नवरात्रि ये सब फेस्टिवल्स कितने अच्छे लगते हैं। पूरा पूरा रास्ता लाइटनिंग से भरा होता है, फूल दिया सब कुछ, यार बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ये जब त्योहार जाएंगे ना दिसंबर के बाद तो पता सब कुछ चलेगा। बोर हो जाएगा। ओ, 1 मिनट, दिसंबर 6 का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, हाँ मेरा हाँ बर्थडे पता है पता है। मेरा बर्थडे तो बस अभी तो फिलहाल इतने दिन जल्दी निकल जाते हैं फेस्टिवल्स में, जैसे नवरात्रि आती है उसके बाद से तो जिन दिन जो यू चुटकी में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा पूजा पाठ, घर की सफाई, फिर कुछ नए शॉपिंग, ये वो में पता नहीं चलता दिन कैसे चला जाता है। और अभी आ गई दिवाली और मार्केट में तो अभी से ही सब इतने अच्छे अच्छे कुर्तीज कपड़े के कलेक्शंस, वाओ बहुत ही अच्छे, ऐसे नजर ही नहीं हटती। कहीं मार्केट में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वहीं पे देखते रहो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े के कलेक्शंस आ गए हैं। और दिवाली में वैसे भी आते ही हैं नए कलेक्शंस कपड़ों के, और मार्केट में भी इतना रश होता है कि पब्लिक हर जगह पे पब्लिक। जय क्या करने वाला है दिवाली में? दिवाली का मेरा फुल अच्छा प्लान है,
सुबह 6 बजे उठूंगा। इतना खुश हुआ तो किसके लिए उठूंगा, जॉगिंग के लिए नहीं उठने वाला हूँ। हमें उठना है जॉगिंग के लिए, ओके? यस। पेंसिल भी बेचारी रो पड़ी। हमें उठना है जॉगिंग के लिए, आज चलेगा क्योंकि छुट्टी में हम लोग। वैसे तो मतलब जय का सुबह को 7 o'clock को स्कूल होता है, 7 o'clock के पहले उसको स्कूल में टच होना होता है 6:45 को, तो मुझे जाने नहीं मिलता वॉक के लिए, वरना मुझे वॉक के लिए बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं जाऊं। उसके बाद फिर जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ तो वहाँ पे 24 hours पानी नहीं है, तो 2 times पानी आता है, सुबह और शाम, जैसे 6 to 8 और शाम को 7:30 to 8:30 वैसे पानी आता है, तो मुझे उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है सारा काम। तो मैं निकल ही नहीं पाती हूँ सुबह को वॉकिंग के लिए या अदर एक्टिविटीज के लिए, जैसे कुछ एक्सरसाइज हो उस चीज के लिए। और गाइस मुझे इतने सारे इमेंडी कॉल्स मिल गए, जय भी कुछ काम धंधा नहीं है ना, ये क्या 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 है ये बहुत मुझे पसंद है, मेरा कलेक्शन है। व्हाट इज दिस, देखो मेरे पास क्या है, एक्चुअली बहुत क्यूट है ये, मैं ले लूंगी, क्यूट तो मैं ये ले लूंगा। सीक्ड आउट, इसका मतलब सीक्ड आउट, ये हम लोग फोन पे भी लगा सकते हैं। एक्चुअली ये किस में मिला है पता है आपको, मेंटोस में मिला है। अगर आप 5 mentors लेते हैं तो आपको या तो एक बैज, या तो एक मैग्नेट, या तो एक ऐसा कोई कीचेन मिलता है, ऐसे ये मेंटोस में मिलता है। और इसने आज दिन में ही 2 बार लेकर आया है ये सब चीज कुछ भी 3 बार हाँ 3 बार एक छोटा सा गाना किसका आना चाहिए इसमें अभी, हाँ उसमें क्या है, एक छोटा सा हाफ गाना, उसके ऊपर भी कोई गाना नहीं है, वो अलग गाना किसका ना, वो जो तूने गाया था नहीं तो Despacito, नहीं वो तो अभी तो गाया था, दूसरा वाला छोटा सा गाना कौन सा, कोई भी देखो तो कितना सारा आता है, कितने सारे होते हैं, जल्दी जल्दी ठीक है। यू आर इनसिक्योर, डोंट नो व्हाट फॉर, यू आर टर्निंग हेड्स व्हेन यू वॉक थ्रू द डोर, डोंट नीड मेकअप टू कवर अप, बीइंग द वे दैट यू आर इज एनफ, एवरीवन एल्स इन द रूम कैन सी इट, एवरीवन एल्स बट यू, baby you light up my world like nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed, more when you smile at the granite and hard to tell, you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful, if only you saw what I can see, you'll understand what I want you so desperately, right now I'm looking at you and I can't believe, you don't know, oh oh, you don't know you're beautiful, oh oh, but that's what makes you beautiful. बस अभी के लिए इतना ही। Thank you. I hope आपको मेरी बेटी का ये superb song अच्छा लगा होगा। ये One Direction से है, One Direction, One Direction. Yes. और मुझे बताना आपको जब आप सबको जय का ये गाना कैसा लगा? हर एक vlog में जय गाना गाएगा, okay? हाँ दिवाली के वक्त में गाऊंगा। Yes. हर एक vlog में गाएगा। दिवाली तो मैंने जश्न का दिन है यार। yes, please guys, मुझे बताना आप सबको जय का गाना कैसा लगा, ओके okay? और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं आपको कौन से व्लॉग में कौन सा गाना अच्छा लगा। या क्योंकि ऑलमोस्ट जय को सारे गाने आते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो आप बताओ कि आपको कौन सा सुनना, तो जय आपको गा के सुनाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, वीडियो देखना है पूरा, फिर लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे इससे होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी ऑन द स्पॉट आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। या ओके सो टिल देन बाय बाय बाय।